दोस्तों, ये जो आप प्लास्टिक की ट्यूब देख रहे हैं, इसमें हम चार्ट को रोल करके भी इसमें रख सकते हैं या किसी शीट को रख सकते हैं या कुछ गिफ्ट पेपर्स के जो रोल होते हैं उनको भी हम इसमें रख सकते हैं। जो चार्ट ट्यूब होती है ये अलग अलग प्रकार की होती है। जिस तरह से आप ये देख रहे हैं, ये पूरी तरह से राउंड शेप में है, पूरी तरह से गोलाकार है। ये स्क्वेयर शेप में भी आती है, इस तरह से स्क्वेयर शेप में भी आती है। और अगर हम मटेरियल के हिसाब से देखें तो ये प्लास्टिक में भी आती है। प्लास्टिक में दो तरह से आती है, एक हार्ड प्लास्टिक में आती है और एक इस तरह से जो ये नरम प्लास्टिक है ये सॉफ्ट प्लास्टिक में भी आती है। और इसके अलावा ये स्टेनलेस स्टील में भी ये ट्यूब जो है ये आती है, स्टेनलेस स्टील में भी। और इसकी जो लेंथ है वो अलग अलग होती है, हालांकि इसमें ये एडजस्टमेंट के लिए ये पॉइंट्स होते हैं। हम इसे अपने इच्छा अनुसार, ये देखिए, इन पॉइंट्स को हम कम या ज्यादा इस तरह से इसको कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो इसकी लेंथ है वो अलग अलग साइजों में अवेलेबल होती है। 24 इंच में भी इसकी लेंथ होती है और मैक्सिमम जो है 42 तक, मतलब 42 इंच तक भी ये चार्ट ट्यूब जो है वो अवेलेबल होती है बड़े रोल्स को रखने के लिए। ये देखिए, जैसे कि हम इसमें इस तरह से अपना मटेरियल बड़ी आसानी से रख सकते हैं। जैसे कि मैंने इसमें ये कुछ गिफ्ट पेपर्स के जो ये अलग अलग टाइप के जो ये पीसेस हैं, ये देखिए, ये इसमें मैंने रखे हुए। इससे इसके अंदर इस तरह की जो चीजें हैं, शीट्स या इस तरह के गिफ्ट पेपर्स जो हैं, वो मतलब खराब नहीं होते, वो पूरी तरह से इसमें सेफ रहते हैं। और ये जो आप स्ट्रिप देख रहे हैं, इसे हम शोल्डर के ऊपर टांग कर हम इसे आसानी से कहीं पर ला ले जा भी सकते हैं। तो ये जो मैंने जानकारी दी, ये प्लास्टिक चार्ट ट्यूब के बारे में जानकारी दी।